Hello creators, welcome to my channel Elite Art. Hello friends, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 3D स्टिकर और वो भी बहुत different टाइप के 3D स्टिकर बनाएंगे हम एक ही वीडियो में. So इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि ये वीडियो में मैं बहुत ही different टाइप के अलग अलग डिजाइन के और पैटर्न के आपको 3D स्टिकर दिखाने वाली हूँ. हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्रिंट आउट लिए हुए. तो प्रिंट आउट में हमें क्या करना है कि हमें सेम डिज़ाइन सेम कलर के डिफरेंट साइज के कोई भी पिक्चर लेने हैं. मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई लिए हुए, इसमें देखिए 3 डिज़ाइन और 3 कलर्स के, उसमें ऐसे 3 साइज है, एक बिग है, मिडल है और स्मॉल है. और इसी तरह से मैंने एक और भी निकाला है. तो हम सभी स्टिकर को अलग अलग तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी. तो इसमें मैंने एक पिकॉक भी लिया हुआ है, कुछ ये फ्लावर भी लिए हुए हैं. यहाँ पर एक बड़ा पिकॉक है, मैंने प्रिंट किया था, मैंने कट करके रखा हुआ है. तो उसे भी छोटी साइज़ का मैंने प्रिंट आउट कर लिया. आप चाहे तो ड्राॅइंग भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पर आज आपको ड्राॅइंग करके नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको प्रिंट आउट करके ही दिखा रही हूँ. और हाँ, सभी जो प्रिंट लिए हैं मैंने वो फोटो पेपर पे लिए हुए, और ये एक वाला है वो प्लेन पेपर पे लिया है. तो प्लेन पेपर का भी मैं आपको दिखाऊंगी और फोटो पेपर का भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो चलिए, तो सबसे पहले सभी प्रिंट आउट को हम कट करके सेपरेट कर लेंगे. अब मैंने 3 फ्लावर वाले 2 पिक्चर लिए, 2 साइज के, छोटे और बड़े. उसको हम थोड़ी थोड़ी वाइट बॉर्डर को छोड़ते हुए कट करते जाएंगे. दोनों ही फ्लावर को हमें इस तरीके से ही कट करना है. ये देखिए हमारे स्टिकर कट होकर रेडी है. तो चलिए अब हम उस पर 3D लुक देते हैं. इसके लिए मैंने फॉर्म टेप ली हुई है डबल साइडेड, पर मेरे पास जो है वो पतली वाली है, तो इस वजह से हम उसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से. हम 3 फोल्ड करके उसको थिक बना देंगे. आपके पास थिक है ऑलरेडी तो आपको ये प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब उसको पिल करके बड़े वाले फ्लावर के स्टिकर में सेंटर में लगाना है, देखिए इस तरह से, और उसके ऊपर हमें छोटा वाला फ्लावर स्टिक कर देना है. हमारा 3D स्टिकर रेडी है. ये देखिए मैंने इसी तरीके से एक और फ्लावर भी बनाया हुआ था. अब हम उसके पीछे डबल साइडेड टेप लगाकर स्टिकर को कंप्लीट करेंगे. अब बारी है दूसरे स्टिकर की. यहाँ पर मैं 3 साइज के फ्लावर ले रही हूँ. तो सेम प्रोसेस से ही हमें उसको कट करना है सभी फ्लावर्स को. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें फॉर्म टेप ही लेनी है, पर यहाँ पर हम फोल्ड नहीं करेंगे, पतला ही रखेंगे. और सबसे बड़े वाले फ्लावर और मिडल वाले फ्लावर पर हम उसे स्टिक करेंगे. फिर पिल करने के बाद जो सेकंड वाला फ्लावर है उसको हम उसके ऊपर इस तरीके से स्टिक करेंगे. फिर लास्ट में सबसे छोटा वाला फ्लावर. तो इस तरह से ये 3 लेयर वाला हमारा 3D स्टिकर रेडी हुआ है. पहले हमने 2 लेयर वाला बनाया, यहाँ पर हमने 3 लेयर वाला बनाया. सेम प्रोसेस, उसके पीछे भी हमें डबल साइडेड टेप लगा देनी है. तो अब हम बनाएंगे पिकॉक का 3D स्टिकर. ये आपने मार्केट में देखा ही होगा और बहुत कॉस्टली मिलता है. आज हम इसे कम बजट में घर पर ही रेडी करने वाले हैं. तो उसके लिए मैंने दोनों को कट कर लिया है. अब छोटा वाला जो पिकॉक है उसके लेग हम इस तरह से कट कर लेंगे बस, क्योंकि हमें उसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है. यहाँ पर छोटे पिकॉक के पीछे ऐसी पतली वाली डबल साइडेड टेप लगाई है. अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं. फिर मैंने यहाँ पर लिया है स्पॉन्ज. हम यहाँ पर स्पॉन्ज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये बड़ा स्टिकर है. तो अभी इसको हम छोटे पीस में कट कर देंगे. हमें 3 ही रिक्वायरमेंट है. अब इन तीनों को हमें यहाँ पर स्टिक कर देना है. अब सेम उसके ऊपर भी हमें फिर से ये डबल साइडेड टेप लगा देनी है. इसको पिल कर हमें बस यहाँ पर कॉर्नर पे इस तरीके से स्टिक कर देना है. थोड़ा हम प्रेस कर देंगे. ये देखिए हमारा 3D पीकॉक रेडी है. अब हम बटरफ्लाई का 3D स्टिकर बनाएंगे.
उसके लिए सेम हमें कट करना है सभी स्टिकर को। 3 बटरफ्लाई लिया हुआ है मैंने, 3 साइज का। यहाँ पर फोम टेप लेनी है, उसके बाद उसको यहाँ से हमें बीच में से कट करके इस तरह से पतला करना है, फिर बटरफ्लाई के पीछे इस तरह से लगाना है, जो सेकंड वाला बटरफ्लाई और स्मॉल वाला, वो दोनों बटरफ्लाई पर इस तरीके से पीछे हमें टेप लगानी है। फिर हमें ये करना है कि बीच में हमें फिंगर रख के इस तरह से उसे बैंड करना है, फिर इसको यहाँ पर हमें सेंटर में स्टिक कर देंगे। ये देखिए, फिर स्मॉल वाला भी छोटा है तो मैं सीजर की मदद से यहाँ पर उसे इस तरह से कैसे बैंड करूँगी, उससे भी हमें यहाँ पर स्टिक कर देना है। ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई का 3D स्टिकर रेडी है। फिर हम उसके पीछे डबल साइडेड टेप लगाएंगे। अब हमने प्लेन पेपर पे जो फ्लावर का प्रिंट आउट किया था वही फ्लावर हम ले रहे हैं, उसको मैंने ड्राइंग पेपर पे स्टिक कर दिया ग्लू से। आप कोई भी थिक पेपर ले सकते हैं, पतला पेपर मत लीजिए। उसके बाद पूरे पेपर को यहाँ पर हम सेलो टेप से कवर कर देंगे ताकि वो वाटरप्रूफ और शाइनी लुक आ जाए उसमें। एक्स्ट्रा एयर बबल को हम रिमूव कर देंगे किसी भी टूल से, या फिर स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेम प्रोसेस से स्टिकर को कट कर देंगे। फ्रेंड वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। ये देखिए हमारे फ्लावर जो है वो सभी कट होके रेडी है। अब हमें लेना है स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज के हमें 2 पीसीस चाहिए सेम साइज के। तो यहाँ पर मैं ये देखिए ये 2 सेम साइज के मुझे मिल गए। अब फ्लावर जो है वो छोटा है, इस वजह से हमें स्पॉन्ज को कॉर्नर से कट करना पड़ेगा। अभी बड़े वाले फ्लावर पर हमें ग्लू की मदद से ये स्पॉन्ज को स्टिक कर देना है। आप डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब जो मिडल वाला फ्लावर है उसके लिए मैंने क्विलिंग टूल का यूज़ किया हुआ है। उसके इस तरह से हमें सेंटर में फिंगर को रखते हुए धीरे धीरे से प्रेस करना है। उसके बाद उसके छोटा वाला होल लूंगी मैं, और उसको हम ये स्पॉन्ज के ऊपर ग्लू लगाकर वो मिडल वाले फ्लावर को स्टिक कर देंगे। अब हमें उस फ्लावर के ऊपर छोटे वाले स्पंज को भी स्टिक कर देना है। अब सबसे स्मॉल फ्लावर लेंगे और उसे छोटे वाले होल में प्रेस करके उसे भी हम टॉप पर स्टिक कर देंगे। ये देखिए, अब हम सभी को इस तरह से होल्ड करके थोड़ा प्रेस करना है ताकि वो स्टिक हो जाए। बड़े वाले होल में हमें इस तरीके से आराम से प्रेस करते जाना है। देखिए हमारा जो फ्लावर है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। वो इसे हम किसी भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आखिर में मैंने डायमंड वाला स्टिकर लिया हुआ है, आप कोई भी स्टिकर ले सकते हैं। ये सिंगल स्टिकर से बनेगा 3D स्टिकर। डायमंड वाला स्टिकर लिया है तो उसका जो शेड है वो ब्लू पर जाता है, तो इसके वजह से मैंने कलर ब्लू पेपर लिया और उससे उस स्टिकर से थोड़ी बड़ी साइज़ का मैंने वो पेपर को कट कर दिया। उसको मैंने मार्कर से बॉर्डर बना ली सेंटर में, उसे उस कलर पेपर पे हमें स्टिक करना है। तो हमारा ये भी इजी पीजी थ्री डी स्टिकर रेडी हो चुका है। ये देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो फाइनली आज इस वीडियो में हमने 6 डिफरेंट टाइप के 3D स्टिकर बनाए। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है, तो आप जाके चेक कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं रेगुलर पोस्ट डालती हूँ, तो प्लीज़ आप जाइए और उधर भी चेक कीजिए और वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।